हमीरपुर से जीत। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर की जीत सुनिश्चित हो गई। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जीत गए हैं, ये क्लियर हो गया है। तो हमीरपुर परंपरागत सीट कहा जाता है इसे, अनुराग ठाकुर की काफी लंबे समय से वो यहाँ से चुनाव भी लड़ते रहे। एक बार फिर से उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की है और इससे पहले आप उनके रिएक्शन भी सुन रहे थे। उनका कहना है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो एक और जो सीट है, हालांकि ये सीट पहले भी बीजेपी के पास में थी, अब हमीरपुर की सीट पर अनुराग ठाकुर ने जीत दर्ज कर ली है। तो एक बजने जा रहा है, एक बजने बजने तक अब चीजें क्लियर होने लगी, तस्वीर जो है अब वो साफ होने लगी है। अनुराग ठाकुर की जीत सुनिश्चित हो गई है हिमाचल के हमीरपुर से। एक और तस्वीर आ रही है, देखिए एसपी की सुनीता वर्मा आगे, और ये कहां से हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के अरुण सागर आगे चल रहे हैं बुलंदशहर से, हाथरस से बीजेपी के अनूप वाल्मीकि आगे चल रहे हैं इस वक्त। अनूप वाल्मीकि 57,232 वोट से आगे चल रहे हैं। साक्षी महाराज भी आगे चल रहे हैं उन्नाव से 24,000 से ज्यादा वोटों से। मेरठ से अरुण गोविल पीछे हुए हैं और ये जो नतीजे, मेरठ की सीट भी बीजेपी के लिए सुरक्षित कही जाती है। मेरठ इस लोकसभा सीट का जब से निर्माण हुआ बीजेपी का यहाँ दबदबा रहा, लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं, वो भी अरुण गोविल, जिन्हें बहुत सोच समझ कर यहाँ पर उतारा गया था, राम फैक्टर से जोड़कर उन्हें उतारा गया था। लेकिन शायद यहाँ की जनता ये बताना चाहती है कि आप बाहर से किसी को मत लाइए, आप बाहर से किसी को मत लाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट की बात बीजेपी करती रही है, लेकिन मेरठ की जनता ने कहा कि उन्हें अपना उम्मीदवार चाहिए था। अभी तक की तस्वीर तो लगभग यही लग रही है। एसपी सिंह बघेल आगे चल रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है, केंद्रीय मंत्री है और इस बार फिर चुनाव मैदान में है, और आगे चल रहे हैं एसपी सिंह बघेल आगरा में। वाराणसी से पीएम मोदी आगे चल रहे हैं, बिल्कुल। और राम का यहाँ पर आपने जिक्र किया, तो टीवी के राम काफी कमाल नहीं कर पाए, और साथ ही अगर हम बात कर ले राम मंदिर की, तो उसका कहा जा रहा था कि जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उस पर काफी ज्यादा असर होगा। अमेठी के जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, अमेठी में भी कोई ज्यादा फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं उसको देखकर लगता है कि इस बार जनता ने मुद्दों पर वोट किया है, और ये वही मुद्दे जो कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो उठाए गए थे वो भी अपने मुद्दे जनता तक पहुंचाने में काफी ज्यादा सफल साबित होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब काफी हद तक तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा बहुत इंतजार अभी और करना होगा फाइनल रिजल्ट के लिए। तो वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, और इसके अलावा और एक बार पूरे देश की तस्वीर भी साफ कर देते हैं। 275 पर बीजेपी आगे, 19 पर जीत की तस्वीर क्लियर हो चुकी है, वहीं 238 पर आगे चल रही है एनडीए, 293 पर आगे, 229 पर INDIA गठबंधन आगे, अदर्स 21 पर आगे चल रहे हैं इस वक्त।